हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए HTML का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम फॉर्म के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम अपने फॉर्म के डेटा को सेंड करते हैं अपने सर्वर पे। तो दोस्तों, बेसिकली HTML में टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गेट मेथड और सेकेंड होता है हमारा पोस्ट मेथड। और हम इन दोनों मेथड्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि गेट मेथड से हम कैसे डेटा अपने सर्वर पर सेंड करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म हमारा जो टैग होता है, यहाँ पे हम हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है हमारा, जो मेथड का एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड और यहाँ पे हम इसमें हम अपना मेथड शो करते हैं। सपोज कि हम अपने वेब पेज में गेट मेथड का यूज करते हैं, अपने फॉर्म में गेट मेथड का यूज करते हैं। तो जब हम गेट मेथड का यूज करते हैं अपने वेब पेज में और जब हम फॉर्म में डेटा को सेंड करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिखा, अपना पासवर्ड लिखा, नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखा, यहाँ पे अपना जेंडर चूज किया, यहाँ पे अपनी हॉबीज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया, कुछ भी, और यहाँ पे अपना कुछ भी लिखा हमने, शेयर और फीडबैक, ठीक है। जब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि जो ये हमारा हमने डेटा सेंड किया, ये हमारा हमें URL में हमारा डिस्प्ले हो रहा है डेटा सारा। जब ये कब होता है, जब हम अपने फॉर्म में गेट मेथड का यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है फॉर्म का, वो हमारे URL के साथ अपेंड होके हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है कि जो ये हमारा गेट मेथड है, ये हमारा बिल्कुल सिक्योर मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम गेट मेथड का यूज करके डेटा को सेंड करते हैं तो ये हमारा URL में हमारा शो होता है डाटा। इवन कि हमारा जो पासवर्ड भी है, जैसे ये हमारा पासवर्ड है, ये मैंने पासवर्ड अपना ये एंटर किया तो हमारा पासवर्ड भी हमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गेट मेथड है वो हमारा बिल्कुल भी सिक्योर मेथड नहीं है। और जब हमने कोई भी सेंसिटिव डाटा सेंड करना हो तो हमें बिल्कुल भी गेट मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सपोज कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पता नहीं क्या इसने सेंड कर दिया। सपोज मेरा फर्स्ट नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सचिन और मेरा लास्ट नेम शर्मा, मेरा पासवर्ड कुछ भी 212345 है हमारा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना जेंडर मेल, हमारी हॉबीज है डांसिंग सिंगिंग और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th of September 1994। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, फीडबैक ऑसम, ठीक है। इसको लिख के मैं जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो ये हमारा सारा ऊपर हमारे URL में हमें शो हो रहा है। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट नेम है सचिन, लास्ट नेम शर्मा, पासवर्ड 12345, जेंडर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, और डांसिंग सिंगिंग, ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब हम गेट मेथड का यूज करते हो तो हमारा डेटा जो है वो हमारा URL में हमें शो होता है। और इसकी एक और ड्रॉबैक ये है कि जो हम गेट मेथड से हम मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स डेटा सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गेट मेथड का यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो URL के साथ अपेंड होके डेटाबेस में स्टोर होता है। और URL की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 3000 कैरेक्टर्स की होती है, मतलब कि कोई भी URL हमारा 3000 कैरेक्टर्स से ज्यादा लॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली इसकी ड्रॉबैक है। तो जब भी हमें कोई भी सेंसिटिव डेटा अपने फॉर्म से सेंड करना हो अपने डेटाबेस में तो हम कभी भी गेट मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो गेट मेथड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।